नमस्कार, मैं शेफ महेश शर्मा, स्वागत है आपका एक बार फिर स्पाइस बॉक्स में। आज की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ वो है मशरूम के शामी कबाब। मशरूम के शामी कबाब के अंदर मैंने जो ट्विस्ट दिया है वो मेरे स्टाइल में है, वो है छोले, जो कि हमने काबुली चने हैं वो बॉईल करके रखे हुए हैं और इसे रात को मैंने भिगोया था। और इसके लिए जो मैंने अलग इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, गरम मसाला, कटा हुआ प्याज, फ्रेश मशरूम, भुना हुआ जीरा, कॉर्नफ्लावर, बॉईल किया हुआ चना, बारीक कटा हुआ धनिया, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, रिफाइंड ऑयल। तो स्टार्ट करते हैं कबाब बनाने के लिए। सबसे पहले मैं करूँगा पैन को हीट और थोड़ा सा डालूँगा इसमें ऑयल। जब तक कि ऑयल गर्म होता है मैं तैयारी करता हूँ कबाब को बनाने की। उसके लिए सबसे पहले जो छोले हैं बॉईल किए हुए हैं थोड़े टाइट रखने हैं, इन छोलों को पूरे तरीके से बॉईल नहीं करने हैं। और इसे मैं इमाम दस्ते में अच्छे से कूटूंगा। चाहें तो आप इसे हल्के हाथ से मिक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन इसे अच्छा दरदरा रखना है हमें। अब साथ में मैं मशरूम्स जो हैं वो लूँगा और मशरूम्स को जो है बिल्कुल बारीक चॉप करना है मुझे। इसके लिए जो मशरूम्स हैं से लेंगे, डालेंगे इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा लेंगे धनिया। अब मैं डालूंगा इसमें जो मैंने छोले लिए हैं इमाम दस्ते में मैंने पीसा है। जो शामी होते हैं उसमें चने की दाल होती है जो कीमे के साथ में बनता है, लेकिन ये वाला जो शामी है इस शामी में हमने छोले डाले हैं। और अब मैं इसमें डालूँगा कॉर्नफ्लावर, एक बेहतरीन कबाब है, मिनटों में तैयार होता है, पार्टी स्नैक्स जो है। कबाब की पैटीज, ये जो पैटी है इसे अच्छे से टाइट करके अच्छे से बॉल बनानी है, राउंड शेप दे देंगे हम। जब इसे बना रहे होते हैं आप तो इसे अच्छे से ऐसे तरीके से आप इसे बॉल को टाइट करें अपने हाथ में, फैलने ना दें, ना उसमें कोई क्रैक्स आने दें। तैयार है मेरे ये कबाब, शैलो फ्राई करेंगे हम, और गरम तेल रखना है, अच्छी आँच रखनी है। ये जो मशरूम के शामी जो बनाए हैं हमने चिक्कीस के साथ में, ये पाकिस्तानी इंटरनेशनल डिश है, वहाँ पर काफ़ी फेमस है ये डिश। और ये तैयार है मेरे मशरूम और चिक पीस के शामी, और मैं तैयार हूँ इन्हें सर्व करने के लिए। और जो खुशबू है वो शामी की जो एक खुशबू आती है वो भी मेरे को आ रही है इसमें। तो तैयार है मेरी बेहतरीन रेसिपी जो कि बनाई है मैंने मेरे स्टाइल में, मशरूम और चिक पीस के शामी। बनाना बेहद आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसे टाइम जो है इसमें बहुत कम लगता है। अगली बार फिर बनाऊँगा एक नई रेसिपी, तब तक के लिए नमस्कार।